नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। पंद्रह समय सीमा में पूर्ण करें जल जीवन मिशन व नल जल योजना के कार्य। कलेक्टर निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किए वह ठेकेदार होंगे ब्लैक लिस्टेड। पांडुर्ना कलेक्टर ने ग्राम पंचायत सिल्लेवानी व भीमखेड़ी में पीएचई विभाग के माध्यम से हो रहे पेयजल संबंधी कार्यों का किया अवलोकन। पांडुर्ना जिला कलेक्टर अजय देव शर्मा ने पांडुर्ना क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों का दौरा करते हुए निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। ग्राम सिल्लेवानी पहुंचकर कलेक्टर ने पीएचई विभाग के माध्यम से हो रहे निर्माण कार्यों का अवलोकन किया। यहां जल जीवन मिशन के अंतर्गत ₹11.70 लाख से हो रहे पेयजल टंकी निर्माण के अलावा नल जल योजना के अंतर्गत हो रहे कार्यों की प्रगति देखकर अधिकारियों को समय सीमा माह सितंबर 2024 तक पूर्ण करने तथा निर्माण कार्य की लागत स्वीकृत लागत से अधिक न हो के निर्देश दिए गए। सनद रहे कि विगत दिनों कलेक्टर पांडुर्ना द्वारा ठेकेदारों तथा अधिकारियों की जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों एवं बंद पड़े व अधूरे निर्माण कार्यों की समीक्षा कर निर्माण कार्य तत्काल प्रारंभ कराए गए, जिसका निरीक्षण आज कलेक्टर पांडुर्ना द्वारा किया गया। जिन ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किए गए हैं उन्हें ब्लैक लिस्टेड किए जाने के निर्देश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को दिए गए। इसके अलावा पंचायत कार्यालय पहुंचकर यहां हो रहे ई केवाईसी के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान पटवारी और अन्य अमले को लक्ष्य अनुरूप शत प्रतिशत कार्य पूर्ण करने के दिशा निर्देश दिए। पंचायत में केवाईसी कार्य के निरीक्षण के दौरान कोटवार को राजस्व संबंधी कार्यों के लिए मुनादी करने कहा गया। सिल्लेवानी पंचायत के अलावा कलेक्टर ने ग्राम पंचायत भीमखेड़ी में VPHE के कार्यों का अवलोकन कर सभी काम जल्द से जल्द पूरा करने की हिदायत दी। कलेक्टर के दौरे के दौरान जनपद CEO ललित चौधरी, PHESDO सुभाष गाड़गे, ठेकेदार उदय कालबांडे, रोहित पवार और अन्य अमला मौजूद रहा। SDO सुभाष गाड़गे ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पंचायत सिल्लेवानी के अंतर्गत 50,000 लीटर क्षमता की पेयजल टंकी के अलावा 1,000 मीटर पाइपलाइन विस्तार स्वीकृत है और यहाँ 147 परिवारों को नल कलेक्शन देना प्रस्तावित है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत भीमखेड़ी के अंतर्गत 50,000 लीटर क्षमता की पेयजल टंकी के अलावा 1200 मीटर पाइपलाइन विस्तार और 138 परिवारों को नल कलेक्शन देना स्वीकृत है। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने जल स्रोतों के रिचार्ज के लिए रिचार्ज सिस्टम निर्माण पर भी काम करने के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। पांडुर्ना से संवाददाता मनोज गुद्धे की रिपोर्ट।